बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। यहूदा के ख़त में से हमारे लिए आज की तिलावत, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत और फिर 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। लेकिन ऐ प्यारो, तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। तुम अपने पाक तरीन ईमान पर अपने आप को कायम रखो, रूहुल कुदस में दुआ करो, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में महफूज रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। बाज़ पर जो शक में हैं तरस खाओ और बाज़ को डर के साथ आग में से निकाल कर बचाओ, और उस पोशाक से भी नफरत रखो जो जिस्म से दागी हो गई हो। अब उसके लिए जो तुम्हें ठेस लगने से बचा सकता और अपने जलाल के हुजूर में खुशी से तुम्हें बेऐब खड़ा कर सकता है, यानी खुदाए वाहिद के लिए जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमें बचाता है, जलाल और बुजुर्गी और कुदरत और इख्तियार अजल से और अब और अबद तक हो, आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।